ओम शांति। आज 11 जनवरी 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा कर। ज्ञान की बुलबुल बन, क्या विशेषता है बुलबुल की? उसकी आवाज बहुत मीठी या मधुर। ऐसे ही आपने भी बहुत मीठी मधुर आवाज में सबको क्या सुनाना है? ज्ञान सुनाना है। ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो, क्या पूछे अपने दिल से? मेरी याद की यात्रा ठीक है? ठीक है, हाँ, मेरी याद की यात्रा ठीक है, ये अपने आप से पूछो। प्रश्न, किस विशेष पुरुषार्थ से बैगर टू प्रिंस बन सकते हो? इसको बुला के आओ। किस विशेष पुरुषार्थ से बैगर टू प्रिंस बन सकते हो? कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम बैगर से क्या बन जाएं? प्रिंस बन सकते। उत्तर, बैगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर। बैगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। ये शरीर भी मेरा, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बैगर। ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये सारा दिन बार बार अपने आप को समझाना है, सिर्फ कहना नहीं है मेरा शरीर नहीं है, मेरा शरीर नहीं, ऐसा नहीं कहना है। अपने आप को समझाना है कि ये शरीर भी टेम्परेरी मुझे पार्ट बजाने के लिए किराए पर मिला है। मकान इसका मालिक कौन है? शिव बाबा। वो बड़ा चालाक है, बड़े चालाकी से कहा अपना तन मन धन मुझे दे दो। हम आरती में रोजाना गाते थे, हमने कह दिया गलती से कि तन आपका। अब वो पकड़ के बैठ गया, कहता है ये शरीर मेरा है, तुम्हारा है ही नहीं, अब तुम किराएदार हो इसमें। समझ गए? अब आप क्या हो? किसमें? इस शरीर में हम किराएदार। मकान मालिक को किराएदार बना दे, ऐसा भी कोई देखा होगा? सोचो, बैठ करके ये बात समझानी है कि हमें लूट लिया है परमात्मा ने और हमारा मकान पे कब्जा करके हमें अपने ही मकान में क्या बना दिया है? किराएदार। अब हमें अपने आप को बैठकर समझाना है हम किराएदार हैं, और ये हमें तब तक के लिए दिया है हम इससे अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सके। हमें ये मौका दिया है कि हम इसके द्वारा अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सके, इसलिए इसको वो खिलाना है जो बाबा कहे, इसको उसी प्रकार से सुरक्षित रखना है जैसे बाबा कहे। हमने इसको अपनी मर्जी से यूज नहीं करना है। ये बातें बार बार सारा दिन समझानी। मेरे को अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं खिलाना, बाबा ने कहा है ये मेरे शरीर को खिलाओ वो खिलाना। बाबा ने जहां यूज करने के लिए कहा है वहां इसको यूज करना, तब होगा कि हम जीते जी मर गए। अब ये शरीर है बाबा का तो सारे संबंधी खत्म,
क्योंकि मैं तो मर गया ना, अब शरीर का संबंधी कोई मेरा संबंधी नहीं है, क्योंकि मर जाते हैं तो शरीर के रिश्ते खत्म हो जाते हैं ना, दूसरा जन्म लिया तो पुराने रिश्ते खत्म, तो अब हमारे रिश्ते भी क्या हो गए, खत्म हो गए। मतलब शरीर को मारना माना शरीर के रिश्तों को भी खत्म करना। यदि हमें शरीर को के आधार पर शरीर के रिश्ते याद आ रहे हैं, हम शरीर के रिश्तों के साथ शरीर के रिश्ते के हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं, तो अभी हम मरे नहीं। मैं क्या करूं, कैसे कर दूं, कैसे कर दूं, मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं मुझे बताओ। क्योंकि चाहे नए हो तो चाहे पुराने हो, लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, बात तो बाबा की बात ही है। क्योंकि अब हमें ये सब मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई, बस हमने ये बात अपने आप को बैठकर समझानी। क्योंकि एकदम तो कोई नहीं बन जाता, परंतु समझाने से बन जाएंगे। तो बात तो सही समझनी पड़ेगी। ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बैगर, क्योंकि उसके पास मेरा कहने के लिए कुछ नहीं, मेरा शरीर भी नहीं, मेरा परिवार भी नहीं, मेरा ये दिखाई देने वाला सामान भी नहीं। जिसके पास कुछ नहीं वो बैगर, जिसके पास मेरा कहने के लिए यदि एक कटोरी भी है, एक गिलास भी है, एक चश्मा भी है, या दुनिया की कोई चीज जिसको वो अभी मेरा कहता है, तो वो बैगर नहीं। जिसके पास कुछ ना, अंग्रेजी में तो भिखारी बोलते हैं, बैगर का हिंदी में अर्थ है भिखारी, परंतु यहां बैगर का अर्थ है जिसके पास कुछ नहीं। मैंपन तो मैं आत्मा हूं, मेरा कहने के लिए सिर्फ एक बाबा को मेरा कह सकते हैं, परंतु दुनिया में कोई भी चीज मेरी नहीं, क्योंकि शरीर मेरा नहीं, शरीर के संबंधी मेरे नहीं, और दुनिया की कोई वस्तु मेरी नहीं। मैं तो आत्मा परम धाम से आई थी, यहां आकर रोल प्ले करने के लिए ये सामान मुझे मिला था, मैंने रोल प्ले किया, अगले पल मेरा रोल खत्म होगा, मैं शरीर को यहीं कहीं रख के चला जाऊं, बस। किसी भी प्रकार का कोई बात ना रह जाए कि अफसोस हो कि मैं वो काम तो करके नहीं आया, मुझे जो करना है वो अभी करके छुट्टी, अभी नहीं तो कभी। उनकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता है अब तो बाप के साथ घर, फिर सुख धाम में आना है, घर जाना है और फिर सुख धाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है, किस बात पर पढ़ाई में ध्यान देना है, हम क्यों आए हैं यहां पर पढ़ने के लिए, घर के सारे काम छोड़ करके। सर्व गुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनने के लिए। देखना है, अब ये बनने के लिए आए हैं, देखना है हमारे में ये सब गुण हैं, हम आ तो गए हैं, क्या ये हमारे में गुण आ रहे हैं, क्योंकि एकदम आने से तो नहीं आएंगे, अब हम पुरुषार्थ करेंगे तो धीरे धीरे ये गुण मुझे अपने में भरने हैं, कोई भी गुण मेरे से रह नहीं जाए, यदि रह गया तो मैं सत्युग के आदि में नहीं आ सकूंगा, क्योंकि वहां मेरे पास नहीं मिलेगा। अब मुझे कमाई करने का अवसर मिला है, अभी मैंने नहीं कमाया तो फिर मैं कभी भी कमा नहीं सकूंगा। जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना, अब जो डॉक्टर बनने गया हो तो उसका ध्यान रहता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई भी चैप्टर अधूरा ना रह जाए, कोई भी कोर्स अधूरा ना रह जाए, जो भी कोर्स कर रहा हूं उसमें कोई बात ऐसी ना रह जाए जो मैं पूरी तरह ना सीखूं, फिर आगे जाकर के फेल हो जाऊं, नंबर कम हो जाए। ये बनेंगे कैसे,
कैसे बनेंगे? पढ़ने से बन जाएंगे, पढ़ने से बन जाएंगे। हाँ, नंबर दूसरा साथ में रखना है, पढ़ाना भी है। ये हमारा स्कूल ऐसा है, बाकी दुनिया में कोई भी गुरु नाम देता है, कहता है किसी को बताना मत, उसको मेरे पास ले आना, मैं उसको नाम बताऊंगा। परंतु यहां आपको जो बताया गया, जो आपने पढ़ा, जो आपको समझ में आया, आप सबको दे सकते हैं। जो कुछ आपको समझाने बताने में दिक्कत आए, वो आप आके पूछ सकते हैं कि हमने बताया, हमें बताने में दिक्कत आई। परंतु अधिकार है आपको, परमात्मा कहते जो कुछ मैंने आपको बताया है, आपको समझ में आ गया, आप आगे सबको दे दो। नहीं समझ में आया तो आप यहां पूछो, ठीक है? कितनों को पढ़ाते हैं, ये जवाब देखो, अपने आप से पूछो कि मैंने कितनों को पढ़ाया, जो मैंने सीखा वो कितनों को सिखाया। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, इसका मतलब क्या है? पहले बैठकर अपने आप को पढ़ाओ कि जो आज बाबा ने मुझे पढ़ाया, क्या वो मुझे समझ में आया? जो बाबा ने बताया, क्या वो मुझे समझ में आया? पहले अपने आप को पढ़ाओ, फिर अपने परिवार वालों को पढ़ाओ, फिर संबंध संपर्क वालों को, फिर आगे बढ़ो। संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है। ये जब मुरली चली थी, अब तो बहुतों ने जन्म ले लिया, संपूर्णता को पाके जन्म ले लिया। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार है, बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं। किसको नजर रखता है हमारे ऊपर? भगवान। किस पर नजर रखता है? कि हम कितना बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करता है, ये नजर रखते हैं। मेरा कहना नहीं मान रहा तो देखता ही नहीं उसकी तरफ। ये नहीं कि उनको भी देखे जो मेरा कहना नहीं मानते, जो मेरी श्रीमत पर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको देखते हैं बाप। वैसे टाइम तो देखने का है नहीं, परंतु कह रहा है तो बाबा देखता है, ठीक है ना? बाबा को देखने की जरूरत नहीं, उसे पता है हर एक आत्मा बनने वाली है अपने अपने नियम अनुसार, ड्रामा अनुसार। मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंचे ते ऊंची बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है, हर एक जानता है कि मेरी अवस्था क्या है, कितना मैंने ज्ञान को सुनता हूं, कितना समझता हूं, कितना अपने आप को सुधारता हूं। हर एक को, स्टूडेंट को पता होता है पढ़ने पर। अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक का अपना अपना भासता है कि मेरे को अब कितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। ये तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सहज उपाय है ही याद की यात्रा, सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अपने दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? अपनी दिल से पूछना है, हमारी याद की यात्रा ठीक है? दूसरे को आप समान बनाते हैं? ज्ञान बुलबुल बने हैं तुम, ब्राह्मण ही देवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो, तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं, कोई भी तुम्हारे सिवाय देवता बनने वाला नहीं है। तुम ही देवी घराने के भांति बनते हो, तुम क्या बनते हो? देवी घराने के भांति बनते हो। वहां तुम्हारा है देवी परिवार, अभी तुम जानते हो हम देवी परिवार का बनने लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं, खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे सिर है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना, छुट्टी नहीं मिलती है, संडे की भी छुट्टी नहीं, कहते संडे छुट्टी है ना, थोड़ी देर और बैठ जाओ, कुछ नहीं समझ में आया तो और अच्छी तरह चर्चा करो, लंबी क्लास कर दे, एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है।
चाहे बीमार हो, चाहे मर रहे हो, ठीक है नहीं, वो तो मुरली जरूर पढ़नी या सुननी। खाट पर पड़े हो, मरण शैया पर पड़े हो, तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, वहां मुरली सुनो, मुरली पढ़ो। और बाबा तो अपने वहां बुलाते थे कि यहां उठा के ले आओ उसको, भगवान आके पढ़ा रहा है, चार पैसे समेत उठा के लो। मतलब जब वहां मधुबन में जब परमात्मा डायरेक्ट पढ़ा रहे होते थे, कहते मैं आया बैठा हूं, मेरे सामने मरे ना, अच्छा है ना, क्यों कमरे में मरे। आप खाट पर पड़े हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे, मतलब वहां भी शिव बाबा की याद माना, आपका देखना, आपका बोलना, आपका उठना, आपका व्यवहार करना परमात्म डायरेक्शन के अनुसार। ये नहीं कि मैं शिव बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, अच्छा बाबा, कोई फायदा नहीं। हाँ वैसे हाय हाय करते नहीं करना। मतलब कितनी, मतलब क्या, मतलब है वंडरफुल बात ना, कि ये बात हजम करना भी, इसको समझना भी बड़ा मेहनत वाला काम है, क्योंकि एक्चुअल में हमारी बुद्धि में काफी टाइम से यही बैठा हुआ है कि हम आते ही गीत चलाओ और उसको सुनो तो हम बाबा की याद में है, ठीक है। परंतु अब समझ में आ रहा है कि भाई नहीं, बाबा की याद माना हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा कर्म करना, वो बाबा की श्रीमत के अनुसार हो, तब हमें बाबा याद है। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आया है, कितनी सहज याद है, कितनी सहज याद है, ये भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बुद्धि में एक बाबा की ही याद रहे, मतलब हमें किसी और से सलाह लेने की जरूरत ना हो। कैसे करूं, बेंजी से पूछूं, भाई से पूछूं, किसी से पूछूं, नहीं, ना मां से पूछना है, ना बाप से पूछना है, ना डॉक्टर से पूछना है, ना वकील से पूछना है, किससे पूछना है, शिव बाबा से। कैसे करें, बाबा आया है हम शांति धाम में जाकर, फिर सुख धाम में आने वाले हैं, पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, मुख से कोई जाप नहीं कर, जाप नहीं करना, शिव बाबा शिव बाबा शिव, जाप नहीं करना, जाप के लिए कितना क्लियर मना कर दिया। औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझ जाते हैं तुमको उस अवस्था में जाना है जिससे जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहां आए। हमें कितनी लाइन क्लियर है, उसी अवस्था में जाना है जिस अवस्था में तुम यहां आए, उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में, जिस अवस्था में सतयुग में आप आए थे, बेशक कितना तमो प्रधान पतित बन गए, फिर उसी अवस्था को प्राप्त करेंगे, फिर आप सतयुग में अगले कल्प में उसी समय आ सके। हर आत्मा को वो स्टेज प्राप्त करनी करनी है जिस स्टेज पर वो आत्मा परम धाम से आई थी, इसलिए हलचल में आने की जरूरत नहीं कि मैं इसको इतना समझाता हूं, इसको समझ में नहीं आता। क्यों समझ में आए, उसको उतना समझ में आना है जितना उसने सुधरना है, बाकी बातें उसको क्यों समझ में आएंगी। वो ज्ञान नहीं सुनता, ये कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते, किसी के प्रति कोई मन में प्रश्न नहीं रख सकते कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने करना ही ऐसा जैसा उन्होंने किया है। कितना सहज है, ये लाइन समझ में आ जाए, कितना सहज है,
मेरे बच्चे नहीं सुधरते, मेरा पति नहीं सुधरता, मेरी पत्नी नहीं सुधरती, कोई कंप्लेन नहीं। माथा भारी करने की जरूरत ही नहीं। मतलब कहीं भी सारी दुनिया आज इसी इसी द्वंद में फंसी पड़ी है। और बाबा ने क्या क्या वंडरफुल लाइन बताई है ना, मतलब ये बातें समझ में आ जाती हैं तो कितना कितना हल्के हो जाते हैं। लेकिन हमारा मोह होता है ना भैया, मोह के पीछे हम मोह करते रहते हैं, कुछ स्वार्थ भी होता है, मोह है, स्वार्थ है, कुछ भी है, देह अभिमान के बाद है ना, मतलब ज्ञान के बाद है ना, अज्ञानता है ना, मतलब कुछ भी कहो वो ज्ञान नहीं है ना, वो बाबा का बच्चा नहीं है ना, वो कुछ भी करो, फिर वो चाहे मैं हूं चाहे आप हो चाहे कोई हो, मतलब बाबा का बच्चा माना ये समझ में आ गया उसको, वो बाबा की श्रीमत पर चल रहा है तब बाबा का बच्चा है, और बाबा का बच्चा नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, और फिर कोई भी हो चाहे मैं हूं उतना ही करूंगा जितना मैंने काल पहले किया था, मेरे हाय हाय करने से पहले तो होने वाला नहीं है, होना तो अपने टाइम पर ही है। माथा भारी नहीं करो, मतलब मेरे कहने से नहीं हो जाएगा कि अभी अभी हो जाए, होना अपने टाइम पर है, होना एक्यूरेट है, उसी प्रकार से होना है जैसा हर कल्प होता आया है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या चेंज नहीं हो सकता। अकल्याण है ही नहीं, घाटा हो जाए तो हिसाब बराबर हो गया, भाई घाटा हो गया हिसाब बराबर हो गया, मैंने देना था ना दे दिया, ओम शांति खत्म, टेंशन फ्री, मैंने साथ तो लेके जाना नहीं कुछ भी, कोई भी चीज, ये शरीर, ये चश्मा, ये घर, ये गाड़ी, ये सब कुछ कुछ भी तो नहीं जाने वाला, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं मेरे हिसाब, मेरा अकाउंट बराबर हुआ, ये वहीं के वहीं छोड़ करके चले जाना है। क्लर्क की जॉब बहुत अच्छी होती है, मैंने ऑफिसों में देखा क्लर्क की जॉब बहुत अच्छी होती है, कोई चार्ज नहीं होता, कोई इसके पास चार्ज नहीं होता, ये पेन रखा और लिख साइन किए चला गया खत्म, मतलब हमारे पास चार्ज होते हैं, वो चार्ज दे के जाने हैं, सारे संभाल के जाना है, कमी है भरो उसको, परंतु उसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसने काम करता है, आज ट्रांसफर हो गया वहीं के वहीं चला जाएगा खत्म, संभालो अपने ऑफिस को जो संभालेगा, कुछ भी नहीं लेना, कुछ भी नहीं देना, वो दो चार पांच फाइलें होते हैं, ये लो फाइलें, जा रहा हूँ खत्म, उससे कितनी भी गलतियां हो गई हैं, क्लेरिकल मिस्टेक, ओम शांति, कोई गलती नहीं है, क्लेरिकल मिस्टेक, ओम शांति। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे, आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ेंगे, कहते थे भगवान तुम एक बार आओगे ना, मैं सारी दुनिया से रिश्ता खत्म करके बस मैं आपके साथ ही, इसमें मेहनत है, मैं आया हूं, हाँ ये नहीं पता था, ये नहीं पता था कि सचमुच में आ जाएगा, ये बात भी ठीक है, मतलब वो तो हमारे दिमाग में ये था कि भगवान आएगा और बस आशीर्वाद करेगा और सब ठीक हो जाएगा, ये नहीं पता था, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था, क्या कहता है वो फिर, वो रहा वेंदे बामण फात, पवित्रता की बात भी मुख्य है, गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल फूल समान बनना है, वे कमल भी पानी से धरनी से ऊपर रहते हैं, वो कमल भी पानी से धरनी से क्या रहता है, तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है, हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे, जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद ना आए, हम सिर्फ आपको याद करेंगे और अंत में आपके सिवाय और कोई याद, कोई याद आएगा तब,
जब उसके साथ हमारा अकाउंट होगा। अकाउंट ही नहीं है तो वो याद आ ही नहीं सकता, कोई अवगुण भी ना रहे, कोई अवगुण भी ना रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वे सदैव हर्षित रहते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी, ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है। अवस्था क्या होती है? मुरझा जाती है। माया छत छुई मुई कर देती है। माया क्या करती है? छुई मुई, जानते हैं ना, एकदम जैसे ही हाथ नजदीक गया सिकुड़ जाती है। ऐसे ही बाबा के रास्ते पर चलते चलते अपने को पीछे हटा लेते हर एक को। हाँ, क्या मतलब अवस्था खराब नहीं करने का मतलब है हलचल में ना आना, दुखी ना होना। हम दुखी क्यों हैं? होनी होकर रहे अनहोनी ना होए, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी हुए। अनहोनी होती नहीं। अवस्था हमारी परेशान क्यों हुई? हमारे मन में प्रश्न क्यों उठा? इसने ऐसे क्यों किया? इसने ऐसे क्यों किया? उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मेरे को दुख इसी बात का है, और कोई करता तो कोई बात नहीं, इसने क्यों किया? ये सारे कहने के पीछे ये लाइन एक हमें याद आए उस समय के, होनी होकर रहे, अनहोनी होती नहीं। आप जिसे अनहोनी कह रहे हो, अनहोनी तो कभी होती ही नहीं है, क्योंकि है ही अनहोनी, है ही अनहोनी, वो कभी होती ही नहीं। जो हुआ वो होना था। अब मेरे रोने से क्या होगा? मेरा वर्तमान खराब होगा। वर्तमान चाहे नेगेटिव करें, वर्तमान चाहे वेस्ट करें, दोनों ही हानिकारक है। और वर्तमान खराब होते ही उनको समझाना है कि अगले सेकंड वो भूतकाल, तो वर्तमान खराब किया तो भूतकाल भी खराब हो गया, और वर्तमान आपका खराब है तो भविष्य भी खराब हो गया। आपने सिर्फ वर्तमान व्यर्थ नहीं किया, वर्तमान ही अपने लिए हानिकारक नहीं किया, बल्कि आपने तीनों काल बर्बाद कर दिए। लेकिन जिस आत्मा को, जिसके किसी उसको शरीर छोड़ गया हो ना, बहुत ही क्लोज, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। परंतु समझ जाते हैं यदि आपकी अवस्था पावरफुल है तो। इस बात को मैंने नोट किया, आपकी अवस्था पावरफुल है, सारे जानते हैं, कोई भी बुद्धू नहीं है, सबको पता है। परंतु आप अपनी अवस्था से कहने में सक्षम हो, यह बात बहुत महत्व रखती है। क्योंकि शमशान में इसी चीज को देखा, क्योंकि बुढ़िया जो मेरे पास उठ के आई कि बेटा आपने हमें रोते हुओं को जो है ना शांत किया, आपके समझाने से हमारा मन शांत हो गया। मतलब ये मैं देखा कि पावर मिली, मतलब मेरे को पावर मिली, मतलब शक्ति मिली कि मैं जो कर रहा हूं वो मैं अच्छा कर रहा हूं। मतलब ये बातें कह सकने पर, उठाले में बोलना, बोल दो, कोई कुछ नहीं होता, सब समझते हैं, सब समझते हैं। मुझे याद है कि मैंने जब पहली बार अननोन जगह पर जाकर के मुझे बोलने के लिए कहा गया, और वो भी यंग डेथ पर, मैंने कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा, कहा। हाँ, रिएक्ट कैसे करेंगे? एक्सप्लेन किया ना, बोले ये बताया ना उनको कि उस आत्मा का पार्ट इतना था, उस आत्मा ने अब जहां उसका इंतजार कर रहे हैं वहां उसने जन्म लेना है, वहां जाएगा नहीं क्या? वहां ये बैठा तो नहीं रहेगा ना,
ड्रामा चेंज तो नहीं हो सकता ना, गीता में आंख बंद करके तो नहीं लिखा गया ना, ये गलत होता तो गीता में नहीं लिखा जाता, जो हुआ अच्छा हुआ। वो सारे जानते हैं इस लाइन को ना, मतलब कहने वालों गीता में से यदि गलत होता तो गीता में नहीं लिखा जाता, मतलब किसी को रिएक्ट करने का अवसर, समझते सारे है, स्ट्रॉन्ग बात, मतलब बहुत टफ बात है, परंतु कहने का मतलब कि आपकी अवस्था हो तो समझ जाते हैं। रोते रोते फोन करते हैं, मेरी माँ मर गई है, मेरी बहन मर गई है, इनका बाकी किसी के नहीं मरे क्या? अब उनका रोना बंद हो जाता है, चुप हो जाते हैं। हाँ, मतलब कोई नहीं मरा क्या? मेरी माँ की 50 साल उम्र थी, मैंने कहा 40 साल वाले नहीं मरे क्या? 20 साल वाले नहीं मरे क्या? एक दिन बच्चे में नहीं मरे क्या? 50 साल थी जो भी थी, कहता वो तो है, हम समझ नहीं पा रहे। मैं समझो ना, नहीं समझ पा रहे तो 7 डेज कोर्स करो, लिखो, वीडियो करो, मैं वीडियो भेज देता हूँ आपके पास, देखो बैठ करके, सच्चाई को बैठ कर समझो। चुप हो जाते हैं, पहले रोते हुए फोन उठाएंगे तो ऐसे रो रहे हो जैसे बस अभी सारी दुनिया उनकी बर्बाद। हाँ, 1 सेकंड पहले नहीं जा सकता, 1 सेकंड लेट नहीं हो सकता। जिस आत्मा ने जिस समय जाना है उसी समय ही जाना है। कहते ये वीडियो तो हमने देखा, इनको देखा फिर बताओ क्या चाहिए, मुझे बताओ मैं क्या करूं, एक बार माँ से मिलवा दो। मैंने कहा ये नहीं नहीं हो सकता, मैंने कहा कि नहीं मिल सकते। वैसे मैं उनको लिखता हूं कि देखो इतने जन्मों में आपके साथ उसका कार्मिक अकाउंट रहा, तभी तो हिसाब किताब बराबर करने के लिए आई, क्या आपने उसे पहचाना? नहीं पहचाना। अब जो आपका कोई कार्मिक अकाउंट रहा हुआ है, अब अगले जन्म में वो आपको कहीं भी मिल जाए, किसी भी रिश्ते में मिले, तो आप उसे फिर भी पहचान नहीं पाएंगे। आप कहो कि मैं इस रूप में आपको मां से मिला दूं, वो कभी नहीं मिल सकता। भाई कार्मिक अकाउंट है ना, तो उसी हिसाब से इतने जन्मों में आपके साथ आपके घर माँ बनी क्यों, आपकी बेटी बनी क्यों, आपका बेटा बना क्यों? पिछले जन्मों में आपके साथ था, आपके साथ उसका कार्मिक अकाउंट था, वो कार्मिक अकाउंट बुरा करने के लिए तो आया ना, पहली बार अचानक तो नहीं आ गया, कि गलती से तो नहीं आ गया आपके घर में आपका बच्चा बन के। अब उसका जितना हिसाब किताब था उतना ऐसा हाँ पूरा किया और वो चला गया, अब दूसरे शरीर के द्वारा उसने पूरा करना होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये इस शरीर में कहो कि मैं मिलवा दूं, ये मेरे पास कोई भी तरीका नहीं। मतलब कंफर्म करते हैं, मतलब थोड़ा सा वो उनके मन में रहता है। हम कितना बाप की याद में रहे हर्षित रहते, क्योंकि खुश रहेंगे तो दुखी नहीं होंगे ना। बाबा की याद मतलब बाबा की श्रीमत के अनुसार एक एक बात को समझते हुए खुश रहते हैं। माया झट क्या करती है, रहते कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। बाल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते रहे, कोई कैसा भी है, सुने उसका भला ना सुने उसका भला, आधा सुने पूरा सुने कितना सुने, आपने सेवा करते रहना। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है, जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है ये पत्थर है या नरम चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगा। तुम्हारा धंधा ही ये है भाई, जो ज्ञान सुनना चाहे उसको सुनाओ, जो कहे मुझे नहीं सुनना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तेरा टाइम आएगा तो तू सुन ही लेगा, मैं क्यों अपने ना उसको कुछ कहना है ना, कोई बात नहीं। ठीक, तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार है, शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते, मुरली बिगर एक दिन भी नहीं रह सकते थे, कितना तड़पते थे शुरू में जब मुरली चली, क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया तेरी मुरली में जादू, मतलब बाबा ने जब मुरली चलाई तो उस टाइम माहौल ऐसा होता था कि परिवार सारा मुरली चलती थी तो परिवार ही होता था, तो मुरली में तेरी जादू।
मतलब बाबा की तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा कहते थे ना मैं लिख देता हूं। हाँ बोल नहीं पाते, मतलब खांसी है दमा है तो बोल नहीं पाएंगे, तो रात को बाबा उनसे लिख देते थे। फिर मम्मा दादी लास्ट डे भी नहीं सुनाई मुरली, 18 जनवरी 1969 को बाबा ने सवेरे मुरली नहीं सुनाई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कहा बाबा आप लिख करके दे दो हम सुना देते हैं। तो दादी प्रकाश मणि ने सवेरे सुनाई, तो उसके बाद शाम को फिर, क्योंकि बाबा कभी भी ठंड में नहीं रहे क्योंकि दमा इनका बहुत तंग करता था, तो जनवरी ठंड बहुत ज्यादा, और उस टाइम जो है ना बाबा ने बुकिंग भी करा दी थी, से बाबा खराब है थे नहीं जाने नहीं दिया, हाँ नहीं मुंबई जाते थे और सारा कुछ हो गया, मुंबई जाने की तैयारी हो गई, वहां सारी व्यवस्था हो गई, गाड़ी पर सामान रखना है, और बाबा ने गुलजार दादी से कहा, बाबा से पूछो कि बाबा का रथ यहां से जावे। दादी गुलजार ने कहा नहीं बाबा ने मना किया, कहता है बच्ची दोबारा पूछो अच्छा। ये ब्रह्मा बाबा के शब्द है कि बाबा से कहकर के सारी प्लानिंग की थी, अच्छा। जब दोबारा पूछा तो बाबा ने कहा, दोबारा पूछने का मैंने कहा है कभी कि दोबारा मेरे से पूछने आओ, लाल झंडा बना लाल झंडा नहीं जाना, उतारो सामान। कितना पेपर लास्ट टाइम तक पेपर लिया बाबा ने, बोले यहां तक देखो ना कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं दोबारा पूछो, थिंक। इस बात को एक एक बात बड़ी नोट करने वाली है, दादी की जो बातें सुनाई है दादियों ने, क्योंकि हम तो थे नहीं उस टाइम पर, मतलब कि ब्रह्मा बाबा ने कहा दादी एक बार गुलजार भाई पूछो एक बार कि बाबा के डायरेक्शन पर तो प्रोग्राम बनना है कि क्यों बाबा ने रोक दिया। अब सोचो ना कि आपका प्रोग्राम बन गया हो मैके जाने का, और आपको कहा पूछ के सारे वहां की सारी व्यवस्था की, सामान भी गाड़ी पर रख दिया है, और उसके बाद सामान गाड़ी से उतारा गया, और ठंडी में रहना पड़ा क्योंकि शरीर छुड़वाना था इसका, यहाँ रहे तो वहां जाएगा कैसे शरीर छोड़ेगा, है नहीं सारा ड्रामा, मतलब एक्यूरेट, मतलब एक एक बात, मतलब पेपर दोबारा पूछने के लिए कहा है बताओ, मतलब ये भी बाबा ने शिव बाबा का हार्ड लॉ नियम, जो एक बार लाल झंडा दिखा दिया तो दिखा दिया, दोबारा का क्या मतलब हुआ, मतलब क्योंकि ऊपर जाके बातें तो नहीं होती है, तो दोबारा भी लाल झंडा दिखा दिया, मतलब क्योंकि बाबा तो सीन दिखाते हैं कुछ ना कुछ, उससे समझ जाओ भी क्या है, तो बाबा ने तो दोबारा लाल झंडा दिखाया, कहते अच्छा जी उतारो सामान बैठो यहाँ पर, है नहीं वंडरफुल है। बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे, मतलब उस टाइम पर जो बांधेलियां थी वो घर में तड़पती थी कि मुरली कब आएगी कैसे आएगी, क्योंकि उनके परिवार वाले आने नहीं देते थे, बहुत अजीब अजीब युक्तियां रचते थे, कहाँ पत्थर के नीचे रख के आना है, कहाँ कैसे करना है, मतलब घर तक भी नहीं जा सकते थे देने के लिए उसको, किसी बच्चे के थ्रू, कहाँ कैसे किस सामान के थ्रू, मतलब कैसे, मतलब वहां मुरली जाएगी, और वो भी रोजाना सोचते रहते थे कैसे मुरली आएगी, और देने वाले भी सोचते रहते थे कैसे मुरली जाएगी, मतलब इतना तड़पते थे, बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे। मुरली में ही जादू है ना, कौन सा जादू, विश्व का मालिक बनाने का जादू, जो मुरली हम सुन रहे हैं इस मुरली में वो जादू है जो हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। तो उस समय मुरली का तुम कितना कदर था, तुमको कितना कदर था, मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे, समझते थे पढ़ाई बिगर बेचारे का क्या हाल होगा, मतलब मुरली पहुंचाने वालों के लिए भी कि दिल में भी इतना होता था कि कैसे भी मुरली वहां पहुंचानी है, नहीं तो उन बेचारे की क्या हालत होगी। यहां बाबा जानते हैं, यहां बाबा क्या जानते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर ध्यान ही नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते हैं,
मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है, भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना क्लास में आना छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। ज्ञान से नफरत माना, बाबा से नफरत, और बाप से नफरत माना, विश्व की बादशाही से नफरत, मतलब विश्व की बादशाही उसको नहीं मिल सकती। माया बिल्कुल नीचे ले जाती है, बुद्धि का को एकदम मार डालती है। किसको मार डालती है? बुद्धि को एकदम मार डालती है, जो कुछ भी समझते नहीं। कितना उसको समझाओ, बल भक्ति तो बहुत करते परंतु एकदम अंधविश्वास। भक्ति में क्या है? अंधविश्वास। बेसमझ बन गए हैं। बाप खुद कहते हैं तुम कितना लायक थे, अब नालायक बन गए हो, अब नालायक बन गए हो, अब मैं फिर से फिर आया हूं तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्री मत पर जरूर चलना है। बाप कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं है, इसमें और कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो, और पढ़ो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं और टीचर को भी याद करते हैं, करैक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारी भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको ये बनना है, उनके करैक्टर अच्छे हैं, तब तो सारा दिन मनुष्य गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवताओं के लिए गुण गाते हैं कि आप श्रेष्ठ हो, और अपने लिए क्या कहते हैं? मैं मूरख खल का पाप हरो। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला है तब तक अंधियारे में। सारी दुनिया के मनुष्य इस समय निधन के हैं। निधन के माना जिनका धनी धोरी ना हो, अंग्रेजी में अनऑर्फन या हिंदी में अनाथ। उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद बाप के बच्चे हो ना, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को युक्ति निकालनी है कि सबको पैगाम कैसे पहुंचाएं। अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो, एक बाप की श्रीमत पर चलो तो पावन बन जाएंगे। खाली याद कहेंगे तो वो शिव बाबा बैठकर रटने बैठ जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी, अब सब आप पवित्र हैं। यहां कोई पवित्र आत्मा हो ना सके। पवित्र आत्माएं होती हैं पवित्र दुनिया में, आत्मा पवित्र बन जाती है, फिर ये पुराना चोला छोड़ना ही, फिर ये पुराना चोला छोड़ना ही है। ये हो नहीं सकता कि आत्मा पावन हो और शरीर पतित हो। आत्मा पवित्र हो गई है तो पतित शरीर में आप रह नहीं सकते। इसलिए बाबा ने वंडरफुल युक्ति है ये कि हमारे से शरीर छीन लिया, ये चालाकी है ये। नहीं तो हम पावन बन रहे हैं फिर पतित शरीर में कैसे? कहते मेरा किराएदार, तुम किराएदार हो ना, अपना शरीर जाके बनाना, पहले बन जाओ जितना बनना है। पढ़ने के टाइम पर कहाँ हो? कहता है वनवा में। ये शब्द बड़े वंडरफुल है, बहुत डीप है, ये इतने ऑर्डिनरी शब्द नहीं है। क्योंकि शादी से पहले बाबा क्या कहते, कहाँ रहना है? वनवा में रहना। हमारे से शरीर छीन लिया कि तुम्हारा शरीर है ही नहीं, तुम किराए पर हो। जब पढ़ाई करनी होती है, जब शादी से पहले तैयारी करनी होती है तो पुराने कपड़े पहनते हैं ना, तो पुराने शरीर में अपना गुजारा करो।
तुम्हारा शरीर थोड़ा है, तुम तो किराएदार हो ना, तुम्हारा अपना शरीर तो वहां जाके मिलेगा ना। ये बहुत बड़ा एक नुकता है इसके अंदर। पॉइंट समझ में आया है या नहीं, ये बात समझ में आई है कि नहीं? क्योंकि पति हम पावन बन रहे हैं तो शरीर पतित क्यों रहे भाई? तो हमारा शरीर है ही नहीं, पावन तो बन रहे, हमारा शरीर नहीं, हम किराएदार हैं। जब हम पावन बन जाएंगे तो हमारा शरीर भी क्या होगा? पावन होगा, क्योंकि सुधार आ रहा है ना, चरती कला आ रही है ना। अब चरती कला में इस शरीर को तो सुधारा नहीं जा सकता, इस पतित शरीर को, तमो प्रधान शरीर को तो श्रेष्ठ बनाया नहीं जा सकता। ब्रह्मा बाबा के लाश तक देख सकते, समझ सकते हैं कि उस चिथड़े को, उस शरीर को सुधारा तो नहीं जा सकता, परंतु ये शरीर तेरा नहीं है, ये शरीर मेरा है, तुम वनवा में हो, तुम किराएदार, कैसे भी समझ लो, तुम्हारा शरीर तुम्हें आगे मिलेगा जब तुम रिजल्ट निकलेगा। जब तक तुम पढ़ रहे हो इसलिए तुम जंगल में हो, गुरु के पास हो, गुरु के पास तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम सब कुछ त्याग करके पवित्र रह करके अपने आप को बनाओ। शरीर पतित हो तो बाबा को याद करते करते अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। पहले पहले जब तुम आए तो पवित्र थे, अब फिर पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी, शांति धाम से होकर गर्भ महल में आएंगे, वहां दुख का नाम और निशान नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं है, परंतु पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, इसके लिए ये पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ये तो जानते हो स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है। शिवालय स्थापन होगा तो वैशालय खत्म हो जाएगा। शिवालय में तो आना ही है, कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे, जिनके बिल्कुल लाइन क्लियर होगी, जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरे बेगर, पूरे बेगर। शरीर को भी याद करना नहीं करना है, अर्थात जीते जी मरना है हमको। तो जब अपने बेहद के घर जाना है, आपको हम कहा जाना है, अब हमको अपने बेहद के घर जाना है। बेहद का घर माना परम धाम, क्यों कहा बेहद का घर? जहां सर्व आत्माओं को जाना, बेहद माना जहां कोई हद नहीं, सभी आत्माओं को एक ही घर जाना है। अपने घर को भूल गए थे, अब बाप ने याद दिलाया है। अब बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो, तुम कौन हो? वानप्रस्थी। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इस समय तुम सबकी क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूं वाणी से परे ले जाने के लिए, वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए, वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भक्ति करते हैं। अब बाप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं, उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं है। वंडरफुल बात, दुनिया वाले वानप्रस्थ का अर्थ नहीं जानते, प्रैक्टिकल नहीं जानते। वो वानप्रस्थ मत है जंगल में जाना, घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ, गुरु के पास जाके रहो। और बाबा क्या समझाते हैं? इस संसार को छोड़कर वाणी से परे परम धाम में स्थित होना। वानप्रस्थ का अर्थ का मतलब ही उनको नहीं समझ में, वो समझ ही नहीं सकते कि परम धाम में वाणी से परे होते हैं। उन्होंने को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। भाव द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया, परंतु वापस तो कोई भी जा नहीं सकता।
बात कहते हैं आप छोटे या बड़े, सबकी क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस घर जाना है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने के लिए आया है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। आत्माओं को अब क्या चाहिए? शांति चाहिए। यहां तो शांति हो ना सके, यहां तो शांति हो ना सके। शांति धाम का मालिक तो एक बाबा ही है। जब मालिक आए, जब मालिक आए तब सबको ले जाए। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए, ऐसे कोई नहीं कहते हम सुख धाम में जाए। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूं कि तुम सबको घर ले जाऊंगा। सबको कहां ले जाऊंगा? प्रॉमिस करता है। जाना चाहते हैं हम जाना चाहते हैं? पूछ के देखो। और कह रहे हैं मैं सबको लेके जाऊंगा अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ऐसा भी है बाबा कह रहे हैं। देखो बाबा तो यही कहा है कि तुम सबको घर ले जाऊंगा अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। सुख धाम में कोई ना भी चले, सुख धाम में कोई ना भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा। मेरी मत पर चलेंगे तो मैं सुख धाम में ले जाऊंगा। और यदि आप श्रीमत पर ना भी चले, कोई सुख धाम में नहीं भी जाना चाहता तो कोई बात नहीं, परंतु शांति धाम में तुम सबको ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर मार पीट दिलाकर भी ले जाऊंगा। ठीक पल्ले पड़े हैं क्या? मतलब छोड़ेगा नहीं किसी को, लेके सबको जाएगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे। क्यों? क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा, पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम चाहो वा ना चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग में जलवा कर, पक्का पक्का है, आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। क्योंकि मान लो कि कोई कहे कि भी मैं नहीं जाता, जब उसका शरीर ही खत्म हो जाएगा, शरीर के संबंधी कोई नहीं रहेंगे, कोई चीज नहीं रहेगी जिसको वो मेरा कहे, फिर तो कहेगा कि अच्छा चलता हूं, रुक जाओ मैं चल रहा हूं, आ रहा हूं। सबकी हिम्मत नहीं है हाँ नहीं, समझ में आ जाएगी, उसको रुक जाएगा, क्या कह रहे ले तो जाना ही है, चलो फिर यही आ ही जाओ। हाँ उसके लिए सब, जिसने रुकना है रुकना है, जिसने जाना है जाना है। मेरी मत पर चलकर अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो। और घर ले चलने का मतलब क्या है? मौत दो। तुमने बुलाया है कि मुझे, हमें मौत दो, हमें संसार से कहां ले चलो? सुख की दुनिया में ले चलो। तो यहां मरना पड़ेगा ना। दुनिया वाले गाते भी थे कि आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, तो मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे ना। कहता आप मरो, मैं आया हूं, राजी खुशी मरो, नहीं तो मैं जबरदस्ती मारूंगा। मरना तो है ही, शरीर तो छोड़ना है, चाहे राजी खुशी शरीर को छोड़ दो, तो नहीं तो फिर लास्ट में तो शरीर छूटेगा ही छूटेगा। मौत आया कि आया, छींची कोई यहां रहना नहीं है, कोई भी यहां छींची नहीं रहेगा,
ये लाइन में कितने राज छुपे हुए हैं, हर एक आत्मा का एक एक नहीं, इस लाइन में कितने राज छुपे हुए हैं ये समझ में आया? कोई हर आत्मा प्योर बन जाएगी जितने जितने, और नहीं ध्यान दे क्या कह रहे हैं बाबा, ध्यान दो ना, चीची कोई यहाँ नहीं रहेगा, इसका क्या मतलब है? मैं सबको चीची दुनिया से जरूर ले जाऊंगा, जो अच्छी तरह से पढ़ेंगे वही सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, कहाँ गया वो लाइन? चीची कोई यहाँ रहना नहीं है, बाकी तो रह सकते हैं ना, शरीर किन के? अच्छा, हाँ प्योर तो, प्योर तो रहेंगे ना, उन प्योर आत्माओं के शरीर, इनडायरेक्ट मीनिंग है ना, कि प्योर आत्माओं के शरीर यहाँ सुरक्षित रहेंगे। हाँ मतलब मैं वही बता रहा हूँ, मतलब हम ध्यान दें तो, हम पढ़ दें तो मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चीची तो कोई यहाँ रहना नहीं है, बाप कहते हैं मैं सबकी चीची दुनिया से जरूर ले जाऊं, सबको ले जाऊंगा, जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुख धाम में आएंगे। सुख धाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है, आदि देव बैठा है, बाप दादा है ना, इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है, तुम जानते हो ये बाप दादा दोनों बैठे हैं, ये बाप दादा दोनों बैठे हैं, इस समय तुम बच्चे जो राज योग सीख रहे हो उनकी निशानी मंदिर में दिखाई है, दिलवाड़ा मंदिर में महारथी घोड़ेस्वार बाहर बना रखे ना पैदल, तो कल्प कल्प हू बहु ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे। कितनी कितनी देर है ये जो मेरे में वीडियो बनाया था ना, कि क्या हमारा माउंट आबू भी टूट जाएगा, तपो तपो भूमि है वो भी क्या विनाश में खत्म हो जाएगी, तो उसमें मैंने यही तर्क दिया था जो आज बाबा यहाँ दे रहे हैं। एक सेकंड में पेपर होना है, पहले और लास्ट का क्या मतलब हुआ? एक सेकंड, अभी सारे कर रहे हैं ना तपस्या, एंड तो है ना, जो लास्ट का सेकंड है वो तो सारी दुनिया के लिए एक ही सेकंड है ना, वो कर रही हैं अब, चाहे वो वहां करें चाहे कहीं करें वो कर रही हैं, वही जा रहे हैं ना माउंट, को सार थोड़ा जाएंगे माउंट आबू में, कुछ भी है वो अभी ये चल रहा है, अभी जो जा रहे हैं जो कुछ पा रहे हैं, जिसने जैसे जैसे जाकर वहां से प्राप्ति करनी है वो करेगा, ठीक है नहीं, और उसके बाद वो तो एक सेकंड का पेपर है, उस सेकंड के पेपर में तो चाहे कोई कहीं होगा, वो लग रही है ना अब क्यों पहाड़ों पे बिस्तर बन जाएंगे, वो लग अभी हो तो रहा है, यही तो हो रहा है। सोचो जिस टाइम ये मुरली चली थी सिर्फ पांडव भवन था, ठीक है नहीं, और अब कितने भीड़ है जाने के लिए, अभी वहां जाने नहीं दे रहे, आने नहीं दे रहे, वो एक अलग बात है, जाने के लिए बहुत भीड़ है, अभी जो कुछ देर और ब्रेक लग के, साल दो साल और ब्रेक लग के सबके अंदर माउंट आबू का इतना भर जाएगा, वो सारे के सारे एक ही दम टूटेंगे, वो उस विनाश तो उसके बाद होना है, विनाश से पहले तो बहुत अच्छी शांति हो जाएगी जो मेरे को लगता है। अच्छा। विनाश से पहले तो एकदम ऐसे लगेगा जैसे स्वर्ग बन गया, और फिर ओम शांति, फिर ओम शांति हो जाएगी। बनेगा कुछ नहीं, मतलब स्वर्ग हो गया का मतलब मेरा कि सबको लगेगा अब नॉर्मल हो गई है जिंदगी, मतलब कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा, चाहे वो एक दिन के लिए हो, दो दिन के लिए हो, दस दिन के लिए हो, महीने के लिए हो, छह महीने के लिए हो, चार महीने के लिए हो, एक बार जैसे मरने वाला आदमी जो होता है ना, एक बार सांस, आखिरी सांस लेने से पहले शांति वो होगी, मतलब वो शांति होगी, मतलब वो शांति के बाद एकदम सारा, क्योंकि लगभग मैक्सिमम अकाउंट बराबर हो चुका होगा,
हाँ बिल्कुल। और जब हम लास्ट में हमारे पास हिसाब को बहुत कम ही रह गए होंगे ना, आखिरी जिस जिसके साथ हिसाब किताब रह रहे होंगे बस वो पूरा करेंगे, जिनको दुख लेना है वो दुख लेंगे, जिनको सुख लेना है लास्ट में सुख लेंगे, सबने शरीर छोड़ करके जाना है। पेपर तो एक ही सेकंड का होना है, दूसरा सेकंड नहीं लगना। अभी आज मुरली के अंदर एक नई बात मेरे को समझ में आई कि ब्रह्मा बाबा एक ही सेकंड में संपूर्ण बनता है, एक ही सेकंड में विष्णु बनता है, एक ही सेकंड में कृष्ण बनता है, अगले सेकंड डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। कितनी मतलब एकदम एक ही सेकंड में संपूर्ण बनने वाला, एक ही सेकंड ना, उसी सेकंड उसका रिजल्ट निकला संपूर्ण ब्रह्मा, उसी सेकंड वो विष्णु, उसी सेकंड वो कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया, तीसरा कुछ है नहीं। इसलिए बाबा ने मुरली में शब्द क्या यूज किया है ना, ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण। ये लाइन मेरे दिमाग में से छपी हुई है कि क्या बाबा ने लाइन दी है, ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण। इसमें कितना गहरा राज है। ब्रह्मा जैसे ही संपूर्ण बना, विष्णु वा श्री कृष्ण, विष्णु कहो या श्री कृष्ण कहो, विष्णु तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं ना विष्णु। तो 2002 शंकर का रोल प्ले किया, शंकर को रोल प्ले किया, विष्णु व श्री कृष्ण बात एक ही है। शब्द दो ना, शब्द बाबा ने कितना क्लियर दिया है ना। हाँ ये विष्णु का रोल चल रहा है, विष्णु का रोल मीन्स पालना करना। जो देवी देवता, केवल कृष्ण ने तो जन्म नहीं लिया, कृष्ण के बाकी सब ने भी जन्म ले लिया, अब उन सब की पालना चल रही है ना। तो विष्णु ने कोई, विष्णु कोई है नहीं जो पालना करे, मीन्स जब वो बहुत सिंपल सी है कि जैसे जैसे हमने ज्ञान को सुना, ज्ञान को सुना, ज्ञान देवी गुणों को धारण करना शुरू किया, तो शंकर का रोल शुरू, आसुरी गुण क्या होने लग जाएंगे, हमारे जीवन से गायब होना शुरू, ठीक है नहीं। और जैसे जैसे आसुरी गुण गायब होते जाएंगे तो देवी गुण रह जाएंगे, फिर देवी गुणों की पालना, आसुरी गुण है ही नहीं, छीछी कोई है ही नहीं, छीछी तो सारे क्या होंगे, चले जाएंगे, और जो प्योर होंगे जिनमें सिर्फ देवी गुण रहेंगे वो तो यही रहेंगे, उनके शरीर यहां पर सुरक्षित रहेंगे, उनका तो अंत होना नहीं है। मतलब ये जो लाइन है ना, बहुत वंडरफुल लाइन है ना, कि ब्रह्मा सो विष्णु वा श्री कृष्ण, ये शब्द देखिए ना कितना एकदम, मतलब ब्रह्मा जिस सेकंड एग्जाम में पास होगा उसी सेकंड वो विष्णु बनेगा, और विष्णु का मतलब है श्री कृष्ण, विष्णु या श्री कृष्ण बात एक ही है, ठीक है नहीं। तो वो कृष्ण के रूप में जन्म ले लेगा, और सारे के सारे विष्णु बनेंगे, सारे के सारे जन्म लेंगे, बाकी सारे नंबरवार जन्म लेंगे, क्योंकि नंबरवार वो क्या बने हैं, विष्णु बने हैं। भाई सरस्वती भी विष्णु बनी है, दादियां भी सब विष्णु बने, क्योंकि उन्होंने विष्णु चतुर्भुज समान अपने आप को बनाया, तभी उन्होंने जन्म लिया, ठीक है। तो एक ही सेकंड में उन्होंने लिया ना, ब्रह्मा बाबा ने एक ही सेकंड में संपूर्णता को प्राप्त करते ही विष्णु व श्री कृष्ण बन गया। मतलब क्या वंडरफुल लाइन है ना, क्या वंडरफुल बाबा की पढ़ाई है ना, मतलब ये राज समझना बहुत वंडरफुल है, बाबा का ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। हूबहू मंदिर, देखो कैसे बाबा कैसे कहते हैं, जो तुम जाकर देखेंगे कहेंगे, क्या कहेंगे, ये सब टूट जाएंगे फिर कैसे बनेंगे। नहीं, उनका क्वेश्चन होता है ना, फिर इतने बड़े पहाड़ कैसे बनेंगे, ये ख्याल नहीं करना चाहिए। स्वर्ग अभी कहां है,
फिर स्वर्ग के महल कहां होंगे? ये पहाड़ियां आदि टूट जाएंगी, कितनी स्पष्ट बात है, फिर बनेंगी। अब वो फिर भी बनेगा, बहुत बच्चे इस बात में बहुत मूंझते हैं। अब आपको मालूम है, बाप कह रहे हैं, बाप कहते हैं मूंझने की दरकार नहीं है। कहते हैं द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई, फिर निकलेगी। नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी। एक बाबी मुरली में दो चार दिन पहले कहा था कि जब पहले क्या होता है, कोई मकान तोड़ते हैं तो अच्छी चीजों से सुरक्षित निकाल लेते हैं कि नए मकान में लगाएंगे, परंतु यहां कुछ लगने वाला नहीं। बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि एग्जाम्पल दे करके कि जैसे हम कोई मकान तोड़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कोई कोई चीज, जैसे देखते हैं कहते हैं ये चीज है ना नए मकान में लगा देंगे, ये अच्छी चीज है, ये मॉडर्न अभी हमने बनाई थी इसको वहां लगाएंगे। परंतु बाबा कहते कोई भी चीज इस नर्क की सतयुग में स्वर्ग में जाने वाली नहीं है, कुछ नहीं जाएगा। आज फिर उसी को डिटो कर रहे हैं कॉपी को, नीचे जो चीज गई सो गई, खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे, वहां बिल्कुल ही सत्व प्रधान सब नई नई चीजें होंगी। तुम वहां के फल आदि देखकर आते हो, तुम जानते हो हम वहां जाने वाले हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो स्वर्ग भी रिपीट होगा, स्वर्ग भी रिपीट होगा, ये निश्चय होना चाहिए। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे कैसे हो सकता है, इतने सब फिर आएंगे, फिर महल आदि बनेंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं फिर भी मंदिर बनाएंगे, ये खेल ही पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का है। क्योंकि एक वीडियो में मैंने लिखा है कि सूर्य ऊर्जा जो आई है यहां पर, वो ऊर्जा भी वापस जाएगी। उसने पूछा कैसे जाएगी, वीडियो देखकर क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगी ये तो बताओ, उनको प्रमाण चाहिए हर बात के। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चक्र है। तुम बच्चे पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो, तुम्हारे कदम में पद्म का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पद्म, अर्थात पढ़ाई के कदम में पद्म समाये हुए हैं। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सतयुग में है, सतयुग है गोल्डन एज, वहां की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने सुंदर महल बनते हैं, हर चीज सत्व प्रधान होती है, देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। बच्चों को ज्ञान तो बहुत बुद्धि में है, ज्ञान तो बुद्धि में है, बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है, बीमार हो तो भी मुरली जरूर पढ़ो या सुनो। पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करना है और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। वरदान, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भाव, समीप और समान भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई। ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया, कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं,
ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। स्लोगन है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। लवलीन सिद्धि का अनुभव करो, जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना हद के आकर्षण से परे रहे परमात्म प्यार में समाने का अनुभव करेंगे। आपकी ये लवलीन सिद्धि वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।